कि हमारे घर में चोरी हो गई है, 20,000 कैश गया है, सोने की बाली की जोड़ी थी और एक सोने की चेन थी। भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के खड़ी मशीन रोड चीना हाइट्स की 5वीं मंजिल पर चोरी की घटना सामने आई है। परिवार के लोग सोते रहे और चोर घर में हाथ साफ करके फरार हो गए। सोने के जेवर 20,000 रुपये कैश लेकर चोर फरार हो गए हैं। चीना हाइट्स की 5वीं मंजिल पर काशिफ अहमद मंसूरी अपने परिवार के साथ रहते हैं और आज सुबह हर रोज़ की तरह काशिफ 6 बजे के आसपास ड्यूटी पर गए। इस दौरान उनकी बीवी ने घर का दरवाज़ा तो बंद किया, मगर पहला दरवाज़ा बंद किया और दूसरा दरवाज़ा बंद करना भूल गई। पहले लोहे के दरवाजे में अंदर से कड़ी लगी हुई थी, मगर इसके बावजूद जो अंदर का लकड़ी का दरवाज़ा था वो खुला था। इस मौके का फ़ायदा उठाकर चोर ने लोहे के दरवाजे में जो थोड़ी सी जगह थी उसमें से किसी तरह से कड़ी चोर ने खोल ली और घर के अंदर घुस गया। अलमारी में रखा 20,000 रुपया कैश, सोने की चेन जो 6 ग्राम थी और कान की बाली 5 ग्राम की थी, यानी कि कुल मिलाकर 45,000 रुपये पर चोर ने हाथ की सफाई दिखा दी और फरार हो गया। परिवार के लोग घर में सोते ही रह गए, जब आँख खुली तो घर का नज़ारा देखकर दंग रह गए। जरा सी लापरवाही का नतीजा सामने आ गया। अगर घर का दोनों दरवाज़ा ठीक तरह से बंद किया गया होता तो शायद चोरी की वारदात नहीं होती। बहरहाल काशिफ ने मुंब्रा पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज करवाई है और इमारत में लगे CCTV फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम काशिफ है। एक्चुअल में मैं इधर नवी मुंबई में जॉब करता हूँ। सुबह 6:30 बजे जब ऑफिस से निकला मैं, तब सुबह 6:30 बजे के टाइम ऑफिस से निकलने के बाद में जब मैं ऑफिस पहुँचा तो मेरी वाइफ का फ़ोन आया था 9:30 बजे कि हमारे घर में चोरी हो गई है। तो वो बोली ठीक है, मैं मैनेजर के पास में ऊपर जाती हूँ। मैनेजर को ला के, जो हमारे मैनेजर सोसाइटी के मैनेजर, उनको ला के बताएं कि हमारे घर में क्या क्या चोरी हुआ है। 20,000 कैश गया है और एक सोने की बाली की जोड़ी थी और एक सोने की चेन थी, वो सब चोरी हुआ है। उसका टाइमिंग मान के चली कि सुबह 8:30 से 9 के बीच में हमको लग रहा है कि वो टाइमिंग वो लेके गया होगा। तो जी, कैसे घर का दरवाज़ा खुला था कैसे? एक्चुअल में जो घर का दरवाज़ा है चैनल गेट वाला, वो तो अंदर से लॉक था, लेकिन जो अपने लकड़ी का दरवाज़ा आता है वो ओपन था। उसके अंदर हम अमूमन उसको बंद रखते हैं, लेकिन उस टाइम वो उसको हम लोग ने बंद करना भूल गए थे उसको। तो उसके वजह से उन्होंने कुछ अंदर से उसका कुछ उनकी टेक्निक आती है चोरों की, अंदर से कोई लोगों की रॉड वगैरह डाल के उसको ओपन करके वो लोग लेके गए। वो तो अच्छा हुआ कि सब मेरे वाइफ और बच्चे अंदर ही सो रहे थे, वो बेडरूम में गया, उसने वहाँ से जो बैग वगैरह में जो सामान उसको क्या पता कहाँ से मालूम बड़ा सब निकाल के वो लेके आया। मोबाइल वहीं रखा हुआ था, मोबाइल भी उठाया, वो मोबाइल लाके बेड पे छोड़ दिया, बाकी जो खाली बॉक्स थे वो सब इधर लाके उसने रख दिया उसके अंदर। अभी हम गए हैं, कंप्लेंट भी करवा के आए हैं पुलिस थाने में। अच्छा, 20,000 रुपया तो कैश था और जो सोने की जेवर था उसका अमाउंट लगभग कितना? वो सर वो 5 ग्राम का अपने कान की बाली थी, 6 ग्राम की अपनी जो थी चेन थी, तो कम से कम वो 30-35 हज़ार रुपये तक के था। वो उसका बिल भी हम लोगों के पास में लगे, तो बिल भी हम बता देंगे। यानी टोटल जो है करीब 45,000? जी, 50,000 मांगी चलिए अप्रोक्स। आप